सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की पार्थ पवार की हालिया मांग पर उनके दादा एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि वह इस मांग को तनिक भी महत्व नहीं देते हैं। इसके साथ ही पवार ने अपने भतीजे के बेटे के बारे में कहा कि वह अभी अपरिपक्व है। भारत में कोविड 19 से ठीक होने वालों की दर बुधवार को 70.38% हो गई है। रोज 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 56,110 मरीजों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। राज्य शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा के परीक्षार्थियों की अंक सूची 14 व 17 अगस्त इन दो दिन में स्कूल को आवंटित की जाएगी। बोर्ड के मुताबिक 14 अगस्त को नागपुर शहर के स्कूलों को उनके विद्यार्थियों की अंक सूची दी जाएगी। 17 अगस्त को नागपुर ग्रामीण के क्षेत्र के स्कूलों की अंक सूची प्रदान की जाएगी। कोविड से व्यापारी नागरिक सभी परेशान है। अधिकांश परिस्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे हालात में जनता को जल कर और संपत्ति कर में छूट मिलनी चाहिए। यह मांग महापौर संदीप जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक जनप्रतिनिधियों ने की है। इस संदर्भ में प्रस्ताव सदन में पेश करें महापौर ने कहा कि मनपा कानून अनुसार जुर्माना माफ करने का अधिकार आयुक्त को है। सार्वजनिक बस सेवा तत्काल आरंभ करने की मांग को लेकर बुधवार को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से राज्यभर डफली बजाओ आंदोलन किया गया। शहर में मोर भवन के समक्ष प्रकाश आम्बेडकर के नेतृत्व में यह डफली बजाओ आंदोलन किया गया। कोविड के खतरे को देखते हुए गणेश मंडलों ने प्रशासन के नियमों के मुताबिक गणेश उत्सव सादगी पूर्वक मनाने का फैसला लिया है। गणेश उत्सव में न तो ढोल ताशों की गर्जना होगी और न ही आगमन व विसर्जन पर शोभा यात्राएं निकलेगी। लकड़गंज के थानेदार नरेंद्र हिवरे को 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया है। राज्य के 10 अधिकारियों को यह सम्मान मिला। शहर में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। बुधवार को धनतुली जोन के 26 क्षेत्र सील किए। नागपुर जिले में बुधवार को कोविड से 27 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 400 पर पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा 400 के स्तर पर पहुंचने में 130 दिन लगे। 5 अप्रैल को नागपुर में पहली मौत हुई थी। मस्जिद की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कुख्यात साई सैयद के अवैध बंगले को मनपा के तोड़ दस्ते ने जेसीबी की मदद से तोड़ना आरंभ कर दिया है। क्राइम ब्रांच द्वारा साहिल के अवैध निर्माण कार्य की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मनपा ने यह कार्रवाई की।